नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में भारत के संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ ही हम एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे ताकि आप इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हों। एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, नॉलेज। नॉलेज तो हर बच्चे के पास होता है। अगर कोई भी बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो पढ़ तो रहा है, नॉलेज तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। एग्ज़ाम हॉल में जाके अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हम कर लेंगे तो आप कर लोगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि होगा नहीं होगा कुछ गलत, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए आप गलत करके आएंगे। हो सकता है आपने सारी चीज़ें फेस क्यों, वो क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें कॉन्फिडेंस आता है। जब तक हमने एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन की कम से कम 10 से 20 बार प्रैक्टिस नहीं हो की होगी, बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और भी जैसे टेस्ट सीरीज नहीं लगाई होगी, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। जैसे UPSC एग्जाम में क्या होता है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के लिए कम से कम आप एक सब्जेक्ट की 10,000 क्वेश्चन लगा के चाहिए। तो उसी सिक्वेंस में आप सबके लिए संविधान की जो विशेषताएं हैं उनके वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन लाए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सब ने जब ये संकल्प ले ही लिया है तो अपने सपने को पूरा करने में जो भी समस्याएं आए, जो संघर्ष हैं, हार नहीं माननी, सफल होकर दिखाना है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किसका है, इंडिया का। इंडिया का संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और विश्व का फर्स्ट लिखित संविधान किसका है, फर्स्ट लिखित संविधान है आपके USA का। विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान किसका है, ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। वहाँ पे क्या है, आपकी संसद सर्वोच्च है, जो ब्रिटिश सत्ता है वो सर्वोच्च है, वो जो कानून बना देती है वही संविधान बन जाता है। जबकि हमारे इंडिया का लिखित संविधान भी है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है। हमारे यहाँ पे सर्वोच्च कौन है, संविधान। संसद कानून नियम बना सकती है, लेकिन जो भी नियम कानून बनाएगी संविधान के दायरे में रखकर बना सकती है। इस संविधान में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन का वर्णन किसमें, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। लेकिन संविधान संशोधन भी हम ऐसा ही कर सकते हैं जो हमारे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो। केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि संविधान का मूल ढांचे की व्याख्या की गई थी और केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया गया था। केशवानंद भारती केस में कितने जजों की पीठ बैठी थी, 13 जजों की पीठ बनी थी। फैसला कितनी पीठ से आया था, 7-6 की पीठ से फैसला आया था। और अब तक की सबसे बड़ी बेंच भी यही है, कितने जजों की, 13 जजों की बेंच बनी थी। अभी तक इसके बाद किसी भी मामले में 13 जजों की बेंच नहीं बन पाई। वेरवरी यूनियन बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। क्लियर, सारे पॉइंट मैं आपको बार बार रिवीज करा रही हूँ ताकि हर एक पॉइंट आपको लर्न हो जाए और एग्जाम में अच्छे से नंबर स्कोर कर पाए। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है, हमारे संविधान में भारत को राज्यों का संघ माना गया है। एक शब्द होता है फेडरल, दूसरा क्या होता है, विलय। फेडरल का क्या होता है, फेडरल का तात्पर्य होता है जो भी राज्य आपस में मिल रहे हैं लेकिन एक बॉन्ड के द्वारा, मतलब राज्यों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होगा, वो अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे फेडरल होता है, फेडरल में क्या होता है, अस्तित्व रहेगा उन राज्यों का, एक बॉन्ड के द्वारा मिल रहे हैं। जबकि विलय, विलय में क्या होता है, वो अपना अस्तित्व समाप्त करके मिल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, जो रियासतों था उनका क्या हुआ था, विलय हुई थी। हमारे यहाँ पे फेडरेशन नहीं हुआ था, विलय हुई थी। विलय हुआ था मतलब जो भी राज्य एक बार भारत संघ का हिस्सा बन गया वो कभी भी पुनः भारत से अलग नहीं हो सकता। अब जैसे USA में क्या हुआ था, USA में फेडरेशन हुआ था। वहाँ पे फेडरेशन में क्या हुआ, सारे राज्य एक साथ आए लेकिन एक बॉन्ड था कि अगर वो कभी चाहें तो क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। उसी के पश्चात फिर क्या हुआ, USA में जब गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, उस टाइम पे वहाँ पे राष्ट्रपति कौन थे, वाशिंगटन थे। जब उस टाइम पे गृह युद्ध प्रारंभ हो गया उसके बाद USA ने भी संशोधन किया, उसने कहा USA का जो है ये कैसे अविनाशी
राज्यों का समूह कैसा? अविनाशी, मतलब इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होगी लेकिन अविनाशी, कभी स्वयं से अलग नहीं हो सकते। हमारे भारत में क्या है? राज्यों का संघ है जो कभी भी अलग नहीं हो सकता। क्लियर? दोनों फेडरेशन क्या होते हैं, विलय क्या होते हैं, समझ में आया? फेडरेशन में क्या होते हैं, एक आते हैं एक साथ, लेकिन क्या होता है, एक बॉन्ड के द्वारा आते हैं। जो विलय जो मिल रहे होते हैं उनकी क्या होती है, स्वतंत्र सत्ता होती है, जबकि विलय में कोई बॉन्ड नहीं होता। जब वो आपस में मिलते हैं तो एक साथ मिल जाते हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। क्लियर हो गया? पॉइंट समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्पीड कैसी है? पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो ध्यान रखिए कि स्पीड को मैंने थोड़ा सा कम किया। स्पीड थोड़ी ज़्यादा होने के एक रीज़न है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी है, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। फिर भी आज मैंने कोशिश की कि स्पीड को थोड़ा धीमा रखूँगी। आगे देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका तात्पर्य क्या होता है? हमारा इंडिया कैसे धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर कंट्री के रूप में, तो इसका मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन कैसे धर्मनिरपेक्षता है? हमारे यहाँ पे सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या होता है? राज्य हर धर्म के लिए क्या करता है, व्यवस्था करता है। जैसे कुंभ मेला का आयोजन होता है तो सरकार व्यवस्था करती है, लोग हज यात्रा पर जाते हैं और अपने इस्लामिक जो होते हैं निकालते हैं, जैसे जुलूस वगैरह या और जो चीज़ें होती हैं उसके लिए भी सरकार व्यवस्था करती है। पारसी कुछ करते हैं, जैन कुछ करते हैं, बौद्ध कुछ करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी भी संप्रदाय का, सरकार उन सबकी व्यवस्था करती है ना, तो हमारे यहाँ पे पंथ निरपेक्षता है लेकिन सकारात्मक है। मतलब सरकार स्वयं किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करती है लेकिन सभी धर्मों को सम्मान करती है, उनके लिए व्यवस्था करती है। अगर यही हमारे यहाँ पे नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता होती तो सरकार किसी भी धर्म विशेष का कोई भी आयोजन होता कोई व्यवस्था नहीं करती। देखते हैं आप, छोटे छोटे आयोजनों में पुलिस लगती है, पूरी व्यवस्थाएँ की जाती है, तो हमारे यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्षता है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। क्लियर हो गया? आप सबको संविधान की प्रस्तावना मैंने लर्न करने को बोला था, हमारी संविधान की प्रस्तावना को लर्न कर लीजिए, और संविधान की प्रस्तावना से जुड़े जो हर शब्द हैं, एकता और अखंडता में क्या अंतर है, और भी जो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, एकता और अखंडता में क्या अंतर है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक भारत के नागरिक होने के नाते भी हमें एकता और अखंडता, संविधान का प्रस्तावना, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत हमारा एक प्रजातंत्र गणतंत्रात्मक राज्य है। हमारे यहाँ में शासन व्यवस्था कैसी? संघीय शासन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं दो स्तर में बटी है, केंद्र स्तर में राज्य स्तर में। राज्य स्तर में भी अपनी शक्तियाँ होती है, जैसे मुख्यमंत्री की, गवर्नर की अपनी शक्तियाँ होती है, केंद्र स्तर में राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की अपनी शक्तियाँ होती हैं। लेकिन अगर आपातकाल आदि की स्थिति आ जाए तो उस टाइम पे हमारे भारत का संविधान कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, सारी शक्तियाँ क्या होती है केंद्र के पास आकर सिमट जाती हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक है, भावना में एकात्मक। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, भावना मतलब हम स्वतंत्र रूप से तो एक ही है, एक भारत हमारा एक सर्वोच्च होता है, लेकिन हमने क्या किया, अपनी शक्तियों को डिवाइड किया, केंद्र के पास कुछ शक्तियाँ दे दी, राज्य के पास दी। लेकिन जैसे आपातकाल हो गया, आपातकाल का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 352 में आपातकाल का उल्लेख है। आपात उपबंध हमने कहाँ से लिए, जर्मनी से लिए। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है कमेंट सेक्शन में। भारत में कौन सा आपातकाल नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे भारत में नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लग सकता है, युद्ध से लग सकता है, बाह्य आक्रमण से लग सकता है। पहली बार क्या हुआ, जब हमारा संविधान था उसमें लिखा था आंतरिक विद्रोह पर लग सकता है, लेकिन बाद में आंतरिक विद्रोह के स्थान पर हमने सशस्त्र विद्रोह लिखा। अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, बाह्य आक्रमण हो जाएगा, उस टाइम पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर आपातकाल को लगा सकता है। आपातकाल एक बार में कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। उसके बाद अगर हमें आपातकाल की सीमा बढ़ानी है तो संसद से उसको पास करना। अगर मान लीजिए आपातकाल के समय राष्ट्रपति को लग रहा है कानून बनाना बहुत आवश्यक है तो राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति द्वारा कानून बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपका संसद स्टार्ट होगा उस टाइम पर उस कानून को पास करवाना आवश्यक है। अगर वो बिल पास हो गया तो कानून बन जाएगा, अगर पास नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ये 2 क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है? हमारे कुछ मूल अधिकार होते हैं,
फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अधिकार सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विधि की समझ समता, ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है। सोशल विरोध अधिकार सभी को। जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी विदेशी आता है पर्यटन के उद्योग से, उद्योग के उद्देश्य से, किसी भी उद्देश्य से आता है, तो उस वो भी हमारे यहाँ कानून के सामने समान है। अब जैसे उसने कुछ कर दिया, उसने कहा कि नहीं हमारे यहाँ के तो लॉ में ऐसा नहीं माना जाता, हमारे यहाँ तो क्राइम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो क्राइम है ना, तो विधि के समझ समता हमारे कानून के सामने सब समान है, चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे विदेशी नागरिक हो, या कोई भी हो। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसी में 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख दिया है। 19 के ए का पार्ट 1 में सभी नागरिकों को विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार का उल्लेख है। जैसे कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, अब वो ऐसी कंडीशन में, इकोनॉमिक कंडीशन उसके सही नहीं है, तो अपने लिए लॉयर रख सके, अपना वकील रख सके, उस टाइम पे सरकार उसे सरकारी वकील मुफ्त में उपलब्ध कराती हो, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के प्रति गवाह देने के लिए, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 29 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि 21 का ए को 11 मौलिक कर्तव्य के रूप में माना गया। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। उसके पश्चात हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ रूस से लिए, जबकि मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 39 TPSP में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का उल्लेख किया गया। जितने भी पॉइंट बता रही हूँ सारे पॉइंट नोट डाउन करिए, हो सकता है आपको बहुत सारे पॉइंट आते होंगे या बहुत सारे पॉइंट मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसलिए ताकि सारी चीज़ें लर्न हो जाएं। देखिए एग्जाम में क्या होता है, जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें 2 ऑप्शन तो हर बच्चा एलिमिनेट कर ही देता है। कन्फ्यूजन क्या होता है 2 ऑप्शन में कि ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं, डी लगाऊं, ऐसा होता है ना, तो ये कन्फ्यूजन आपका तभी दूर होगा जब आपको सारे पॉइंट बिल्कुल रटे होने चाहिए। इसलिए मैं बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें बार बार भूलती रहती हूँ, ताकि जब बार बार सुनती हूँ तो चीज़ें हमें लर्न हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्र संविधान द्वारा प्रदान निम्नलिखित कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। गैर नागरिकों का तात्पर्य क्या होता है, विदेशी नागरिकों को। विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार है जो उपलब्ध है। पहला अधिकार हमारा कौन सा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 19 में है। देश के किसी भी भाग में घूमने और बसने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का अधिकार है सिर्फ हमारे भारत के नागरिकों को। जब ने आर्टिकल 370 को नहीं हटाया था तब ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब देश के किसी भी संविधान में लागू है। लेकिन इसमें क्या होती है, कुछ लिमिट होती हैं। जैसे आपके क्या होता है, कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जैसे अनुसूचित जनजाति का प्रशासन है, कुछ चीज़ों में इसको कोई लिमिटाइजेशन किया जाता है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया। पहले किसमें, आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। कौन सा अधिकार था, मौलिक अधिकार। बाद में इसको हमने 300A में रखा, 300A में रखकर संपत्ति के अधिकार को हमने कौन सा बना दिया, मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार हमारे गैर नागरिक मतलब विदेशियों को भी प्राप्त है। इसके साथ ही विधि की समझ समता विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 25 में हिंदू शब्द का किसे सम्मिलित नहीं करता। देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लेख किया गया है, जैसे किसी भी व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों का अधिकार है। जैसे वो क्या हो, अपने जो भी धर्म को मानता है उसके लिए कर दे सकता है, उसके प्रचार प्रसार कर सकता है, तो उसमें एक शब्द दिया गया हिंदू। हिंदू के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है, हिंदू के अंतर्गत आपके बौद्ध शामिल हैं, जैन शामिल हैं, सिख शामिल हैं, लेकिन पारसी नहीं शामिल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारसी। अच्छा, पारसी को 9 वर्ष किस नाम से जानते हैं, नौरोज। नौरोज उसको कौन मानते हैं, पारसी। ये क्या होता है, इनका 9 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा।
ये क्वेश्चन अभी करंट एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। बौद्ध गौतम बुद्ध से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। धर्मचक्र परिवर्तन क्या होता है, महापरिनिर्वाण क्या होता है, इसके साथ ही आपका उनके ग्रह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था, ग्रह त्याग की घटना को विनिष्क्रमण कहते हैं। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये केवल कहलाए थे। केवल का तात्पर्य होता है जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके साथ ही गौतम बुद्ध की पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मण सेनातियों को। पहले उपदेश की घटना को बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अभी हाल ही में श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर के पावापुरी में। इनकी मृत्यु की घटना को बोलते हैं, मृत की घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, याद कर लीजिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में और सबसे ज़्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में। और गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिभा कहाँ पे बन रही है, बिहार में बन रही है, ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट और याद रखिए, अशोक कहाँ से कर नहीं लेता था, अशोक लुम्बिनी से कर नहीं लेता था, वो कहता था लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। कलिंग युद्ध के पश्चात गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। एक अभिलेख में उल्लेख है कलिंग युद्ध के पश्चात अशोका ने क्या किया था, भेरीनाथ के स्थान पर वेदी गोश को अपनाया था। कलिंग युद्ध का उल्लेख इसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने। कब पढ़ा था, 1837 में। नोट डाउन कर लीजिए, सारी चीज़ें वैसे आपको लर्न होगी। अगर आप मेरी रोजाना सारी सीरीज को देख रहे हैं तो सारे पॉइंट आपको बिल्कुल रटे होंगे। आगे देख लेते हैं, सिखों में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सिखों के पहले गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। किस सिख गुरु की औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी, तीनों के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। जैन धर्म महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है, महावीर स्वामी से जुड़ा एक ग्रंथ है आगम ग्रंथ। आगम ग्रंथ किससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। पहले तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 46वां संविधान संशोधन हमने कब किया था, 1976 में हमने 42वां संविधान संशोधन किया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संशोधन कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने वन था, शिक्षा थी, इन सबको क्या किया था, राजसूची से हटाकर संवर्धित सूची में रखा था। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटन 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राजसूची, संवर्धित सूची। संघ सूची में कानून केंद्र बनाता है, राजसूची में कानून राज्य सरकार बनाती है, संवर्धित सूची में कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति हो जाए केंद्र और राज्य दोनों में कोई बना दे तो उस टाइम पे राज्य का कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा, जो केंद्र बनाएगी कानून वो लागू होगा, क्लियर हो गया। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार को किसमें रखा गया, 300A में। पहले संपत्ति का अधिकार किसमें था, आर्टिकल 31 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किसमें रखा गया, विधिक अधिकार में। इतने पॉइंट क्लियर हो गए, सारे पॉइंट समझ में आए, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एक अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है, मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी अगर सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।